टैबलो। देखिए पावर बीआई से पहले टैबलो आया था, और टैबलो हो या पावर बीआई हो, अगर हम दोनों को देखा जाए तो दोनों एक तरह से हम डेटा की समरी नहीं है, पिवट टेबल की तरह ही वर्क करता है। जैसे एक्सेल में हमारा पिवट टेबल है, एसी को एडवांस और कस्टमाइज करके टैबलू और पावर बीआई जैसे सॉफ्टवेयर बना दिया है। लेकिन टैबलू सीखने की सलाह हम हर किसी को नहीं देते, उसके पीछे रीजन है आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने कल पावर बीआई की क्लास ली थी और पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया था, और अब हम आज टैबलू में डैशबोर्ड बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि टैबलू और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले टैबलू सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। अब यहीं पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि टैबलू सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। आप अगर इंटरनेट पे जाते हो और गूगल पे टैबलू डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप डाउनलोड, तो यहाँ आप डाउनलोड तो कर सकते, बट आपको एक प्रोडक्ट की देना हो, और प्रोडक्ट की जो है आपको यहाँ पे जस्ट 14 डेज की ट्रायल पे ही मिलेगा। मतलब 14 दिन बाद आप टैबलू को यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आते हैं। अगर इसकी प्राइजिंग के देख के सोचे खरीद लेते हैं, तो हम प्राइजिंग पे क्लिक करते हैं तो प्राइजिंग से पता चलेगा कि ये हमारे बजट से बाहर है। जैसे मान लीजिए आप टैबलू क्रिएटर है, तो अच्छा इसमें प्राइजिंग अभी नहीं है, वरना प्राइजिंग पहले आता था। प्राइजिंग आपके पास यहाँ पे आता था, जिसमें आपका वही 70-80 डॉलर पर मंथ का होता था। जी हाँ, अभी प्राइज उन्होंने हटा दिया है, कॉन्टेक्ट पर प्राइजिंग कर दिया है, तो 70-80 से ज़्यादा कम किए होंगे तो 50 किए होंगे क्या, तो आपको परचेज करना हो। अब क्वेश्चन आती है, तो फिर कैसे करें, माने हम टैबलू कैसे लें। देखिए टैबलू को लेने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप ट्रायल वर्सेस पे ले लें, लेकिन आपको लंबे समय तक तो यूज करना है, तो ट्रायल प्रोडक्ट आपका वर्क नहीं करेगा। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप डाउनलोड लिंक आपके मेल पे आएगा, यहाँ पे फॉर्म भरेंगे और डाउनलोड आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल डिटेल्स भरने के बाद 14 दिन के ट्रायल मिल जाएगा। लेकिन टैबलू को आप यूज उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, तो आपके सामने टैबलू पब्लिक है। जी हाँ, टैबलू पब्लिक की टैबलू डेस्कटॉप, यहाँ पे हम टैबलू पब्लिक, टैबलू पब्लिक फ्री है। इसके लिए आपको कोई परचेज नहीं करना है, ये आपको फ्री में मिलता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ लेकिन इसमें एक है, इसके अंदर फीचर्स थोड़े कम है, टैबू जैसी फीचर्स नहीं है। लेकिन हाँ, रिपोर्ट्स को एक सिंपल रिपोर्ट को बनाना, या किसी रिपोर्ट को मॉडिफाई करना, या किसी रिपोर्ट को देखना, उसके लिए हमारा टैबलू पब्लिक वर्जन काफी है। लेकिन आप लंबे टाइम पे यूज करना चाहते हैं तो एक जुगाड़ है। जी हाँ, एक जुगाड़ है अगर आप लंबे टाइम तक यूज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लगेगा स्टूडेंट आईडी। जी हाँ, उसके लिए आपको स्टूडेंट आईडी की जरूरत पड़ेगी। बगैर स्टूडेंट आईडी का आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टैबलू जो है स्टूडेंट्स के लिए फ्री देता है। टैबलू स्टूडेंट्स के लिए फ्री देता है, लेकिन आपका ऐसा नहीं कि आपने वहां पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर दिए और स्टूडेंट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, तो आपने वहां बोला मैं स्टूडेंट हूं, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट हैं। साबित कैसे करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी की, अपने कॉलेज की आई कार्ड्स, और आई कार्ड जिस पे एक्सपायरी डेट होना चाहिए कि हाँ आपकी एकेडमिक जो है इतने साल से इतने साल तक है। समझ गए, मतलब कि आप इंटरनेट से फेक बना देंगे तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपके कोई कलीग होंगे, या कोई मित्र होंगे, या किसी रिश्तेदार के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो उनकी आई कार्ड यूज कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया है, उनकी आई कार्ड यूज किया था। ठीक है ना, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो है टीचर का है, मैंने अपना, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग सेंटर रजिस्टर्ड है, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर के सारी इंफॉर्मेशन भेजी थी, तो
तो मुझे इसका टैबलो का स्टूडेंट वर्जन मिल गया। स्टूडेंट वर्जन आपको भी मिल सकता है। ओके तो कैसे मिलेगा, तो आप गूगल पे जाइए, जाने के बाद सर्च कीजिए टैबलो, स्टूडेंट वर्जन, टैबलो स्टूडेंट वर्जन, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ गेट टैबलो फॉर फ्री पे जैसे क्लिक करेंगे, ये आपको एक फॉर्म भरने के लिए बोलेगा। कंट्री रीजन सब कुछ देने के बाद फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट का ये मिलेगा, आपको आई कार्ड का फोटो स्कैन करके आपको देने के लिए भेजेगा, इस पे दीजिए या फिर आपको मेल आएगा, मेल पे देना। 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लगेगा, उसमें आपको टैबलो का लाइसेंस वर्जन मिल जाएगा। एक जब तक 2 या 3 साल के लिए मिलता है, या जब तक पीरियड हो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब तक मिलता है। देखिए हाँ, फ्री में लेने के लिए स्टूडेंट वर्जन का यूज किया जा सकता है, आप स्टूडेंट वर्जन ले सकते हैं। ये तो टैबलो सॉफ्टवेयर की बात हो गई, अब बात करते हैं कि टैबलो को यूज कैसे करेंगे। तो मेरे सिस्टम में टैबलो डाला हुआ है 2020.3। अब इस टैबलो को हम ओपन करते हैं। तो टैबलो पावर बीआई से बिल्कुल डिफरेंस है। जी हाँ, तो टैबलो देखिए, टैबलो पहले क्यों अच्छा किया गया, क्योंकि हमारा जो एक्सेल था या कोई और सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से हम लोग क्लासेस लेते, टैबलो में रिपोर्ट्स बनाते थे, वो कुछ लिमिटेड डेटाबेसेस से कनेक्ट होता था। पर जब टैबलो आया तो टैबलो बोला कि मैं 200 से ज़्यादा डेटाबेसेस को कनेक्ट करूंगा। जी हाँ, 200 से ज़्यादा, दिख रहा है कितने फाइल टाइप दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दिख रहे हैं फाइल टाइप, तो 200 से ज़्यादा डेटाबेसेस को लाइव ऑनलाइन डेटाबेसेस है उसको भी कनेक्ट करेंगे, या सर्वर जो है सर्वर से भी कनेक्ट करेंगे। तो ये जो है इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। या मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां दिख रहा है कि इतने तरह के डेटाबेसेस से वो टैबलो मेरा कनेक्ट होते हैं। और हाँ, इतना तो आपका जो है ये भी नहीं होता है, पावर बीआई भी नहीं होता, पावर बीआई भी डेटाबेसेस को कनेक्ट करता है लेकिन टैबलो जैसा नहीं कनेक्ट करता है। टैबलो में बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे डेटाबेसेस को कनेक्ट कर सकता है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों डेटाबेस को कनेक्ट कर सकता है। हाँ, पावर बीआई भी करता है लेकिन टैबलो जितना नहीं करता है। जी हाँ, पावर बीआई इतना नहीं करता है, समझे सर। तो मुझे एक्सेल फाइल लेके आना है, तो मैं यहाँ पे टैबलो में आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल पे क्लिक करते हैं, जो फाइल कल हमने लिया था उसी फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने उसके अंदर जितने भी शीट्स, उस फाइल के अंदर जितने भी शीट्स होंगे, सारे शीट्स का लिस्ट आपको यहाँ पता चल जाएगा, जो कि आप यहाँ देखिए पता चल रहा है। अब जिस शीट पे आपका डेटा है, जैसे डेटा शीट पे मेरा डेटा है, तो डेटा को उठाना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही आपका यहाँ डेटा आएगा। अब डेटा में ये आ गया आपकी फिल लिस्ट, कि आपके पास कितने फील्ड है, फील्ड का लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपके डेटा लिस्ट डेटा आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सारे डेटा यहाँ आ गए। अब देखिए, डेटा जो यहाँ पे आया है, डेटा की फॉर्मेट होती है, जैसे ये इस पे कैलेंडर का निशान बना हुआ है, मतलब कि डेट फिल्टर है, ABC है मतलब टेक्स्ट है, ये आपका हैश है इसका मतलब है कि आपका नंबर है। अब ऐसा इसलिए, ये चीज हम इसलिए बोल रहे हैं आपको क्योंकि जैसे कि अगर आपने टेक्स्ट वाले फिल्टर को कैलकुलेशन में डाला तो कैलकुलेट नहीं करेगा, इसलिए ये चीजें आपको यहाँ पे आपको मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे आप कई सारे कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पता करना है कि रेवेन्यू पर यूनिट, क्योंकि मेरे पास यूनिट है रेवेन्यूज है, लेकिन एक यूनिट का कितना रेवेन्यू वो नहीं आया, मतलब कि मैं रेवेन्यू को 10 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड में आऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेवेन्यू अंडरस्कोर फॉर यूनिट, और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे अपना जो कैलकुलेशन है,
जो कि है यहां से लिखना कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा रेवेन्यूज डिवाइड बाय यूनिट, और जस्ट मैंने अप्लाई किया एंड ओके करें तो आप यहां देख सकते हैं एक नया कैलकुलेशन फील्ड ऐड हो गया। ऐसे से बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी होते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डेटा का जो टाइप होता है, कनेक्शन टाइप जो होता है, दो तरह का होता है, ऊपर दिख रहा है डेटा का कनेक्शन टाइप जो कि लाइव है और एक्सट्रैक्ट है। लाइव का मतलब हुआ कि डेटा लाइव कनेक्टेड है, डेटा के अंदर किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि वो फाइल को सेव एज कर रहा है और सेव एज करने के बाद उसको यूज कर रहा है। तो मैं इस पेज ट्रैक पे तो फिलहाल तो लाइव रहने देता हूं। उसके बाद नीचे देखिए शीट्स आते हैं, ये आपका डेटा सोर्स हो गया शीट्स। तो जैसे हमने पावर बीआई के अंदर हमारे पेजेस होते थे, ऐसे यहाँ पे शीट्स होते हैं। पर पावर बीआई में हमने क्या किया था कि एक एक ही टैब पे बहुत सारे रिपोर्ट्स बना लिए थे। आप देखें यहीं पे आपको पावर बीआई अच्छा लगने लगेगा। अभी मैं पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि पावर बीआई और टैबलू में सबसे बड़ी क्या चीज है। पहले तो आपने देख लिया सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर मिलने में दिक्कत है, पर पावर बीआई जैसे देखा था हमने कल ऐसे ही डाउनलोड कर लिया था, हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ट्रायल वायल की जरूरत नहीं थी। अब यहां देखिए पेजेस है और आपने देखा कि एक ही पेजेस में हमने कई सारे विजुलाइजेशन तैयार किए थे कल। अभी आ जाएगा 2 मिनट में आ रहा है, थोड़ा सा खुलने में टाइम लगता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो टाइम ले रहा है, फर्स्ट टाइम टाइम ले रहा है। ये देख हमने क्या किया कि हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट जो हमारी थी वो हमने एक ही विंडो पे हमने तैयार कर, हमने एक ही विंडो पे तैयार कर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन पर टैबलू में ऐसा नहीं है, टैबलू में एक सॉफ्टवेयर एक बार यूज होगा, टैबलू में एक विजुलाइजेशन एक सीट पे। जैसे मान लीजिए मुझे डेट डेट बाय सेल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे रेवेन्यू को सॉरी कंट्रोल दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ रेवेन्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि इतने तरह के चार जो हाइलाइटेड है वो आप इन दोनों फील्ड पे लगा सकते हैं। तो मुझे लाइन चार्ट चाहिए था तो हमने लाइन चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए लाइन चार्ट लग गया। अब इसमें क्या डेट वाइज लगा तो इसको हमने प्लस किए तो क्वार्टर मंथ ए आ गया हमारा, डी ए आ गया हमारा डेट, डेट वाइज हमारा चार्ट पड़ गया सिंपल। ये स्टैंडर्ड है आपका, फिट टू हाइट, फिट टू एंटायर व्यू, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मुझे इसको फिर मुझे दूसरा सीट लेना पड़ेगा। अब इसकी जो सीट वन है हेडिंग, तो हेडिंग को चेंज कीजिए, यहां पे लिखा हमने सेल्स डेट वाइज, सेल्स डेट वाइज, और इसकी जो कलर वलर चेंज करना है चेंज कर ओके कर दीजिए। इसमें टाइप को मैंने कलर में रख दिया तो इसमें दो लाइन आ गया, एक ऑनलाइन का एक ऑफलाइन का, एक न्यू कस्टमर का एक रिपीट कस्टमर का। देखिए मुझे टाइप यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, रिमूव तो सिंगल आपका एक आएगा। देखिए मुझे इसका जो विजुलाइज शो मी पे क्लिक किया और शो मी पे मुझे एरिया चार्ट में चाहिए तो एरिया चार्ट हमने क्लिक कर लिया, एरिया चार्ट में आ गया। बाकी से भी कर सकते हैं, यहां से यहां एनालिटिक्स पे आते हैं तो इसके अलग अलग चीजें फॉर्मेटिंग है कि किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, कि बॉक्स का
बॉक्स क्या कंसिस्टेंस लाइन होने चाहिए होनी चाहिए, ये चीज़ें आप यहाँ से रख सकते हो उठा के। जैसे जैसे उठा कर रखेंगे ये आपका उस तरह से वर्क करेगा। रख दिया, एक कंसिस्टेंस लाइन आ गया। एवरेज ये आपका चाहिए, रेफरेंस लाइन चाहिए, जो भी एनालिटिक्स का है ये आपको यहाँ से ले सकता है। और यहाँ से एरिया का जगह पे कुछ और चार्ट था, यहाँ से भी मतलब यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से टेक्स्ट में आ जाएगा, ए बी सी दिख रहा है। लेकिन नहीं, मुझे तो लाइन चार्ट में एरिया चार्ट चाहिए, तो ये एरिया चार्ट में कवर हो गया। कलर कौन सा चाहिए, तो कलर मुझे कलर में यहाँ से रेड चाहिए तो रेड हो गया। जो कलर चूज करेंगे वो कलर आपका हो जाएगा। अब एक शीट कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे शीट का नेम चेंज कर देते हैं, सेल्स डेट। अब यहाँ पे दूसरे के लिए हम दूसरा लेते हैं। अब दूसरे में मैं यहाँ से रीजन है, अब रीजन में प्रॉब्लम है तो मुझे डेटा सोर्स में आना हो। ये जो रीजन आपका है ये ए बी सी है, मतलब कि इसको टेक्स्ट समझ रहा है, तो इसको टेक्स्ट के जगह पे मुझे करना होगा इस पे। स्ट्रिंग है, गुलेन है, डिफॉल्ट है, जोग्राफिकल लोटा में नन है, तो हमने यहाँ पे सिटी पे क्लिक कर दिया। तो जो जो सिटी रिकोनाइज करेगा, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, रिकोनाइज करेगा कि सिटी है, उस सिटी का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसके साथ फिट हो जाएगा, तो आपका मैप चार्ट जो है उस पर अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रीजन को लिया और रीजन के साथ साथ हमने यहाँ पे रेवेन्यू ले लिया, सॉरी कंट्रोल में कंट्रोल प्रेस करना है, यूनिट ले लिया। अब यहाँ पे मैं मैप चार्ट में एक्टिवेट हो गया, तो मैं अपना जो मैप चार्ट आपको चाहिए ये आपको मैप आएगा। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि ये बेसिकली एक इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो इंटरनेट कनेक्शन उस समय चाहिए जिस समय ये चार्ट क्रिएट हो। और फिर यहाँ पे डेटा टू पे आए, यहाँ पे हम अपना सेल्स बाय रीच और ओके कर दिया। उसके बाद इसमें साइज है, लेवल भी है, जैसे कि मैंने रेवेन्यू को उठा के लेवल पर रख दिया, तो जहां जहां पॉइंट्स थे वहां वहां आप देख पा रहे हैं कि इसके फिगर्स आ गए। लेवल्स पे मान लीजिए मैं रीजन को उठा के रख दिया तो इसके साथ इसके डेटा भी आ जाएगा। इस तरह से लेवल्स का यूज भी कर सकते हैं। अब ये पूरा हो गया तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स बाय रीजन। उसके बाद हम आते हैं अगले पे, नेक्स्ट। अब मुझे इस पे बाय चार्ट चाहिए, तो हम अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी और इसका रेवेन्यू कंट्रोल से सिलेक्ट किया और ये हमने ये वाला चार्ट ले लिया। अब बोलेंगे सर ये तो बड़ी छोटी हो गई, तो यहाँ ऊपर जो व्यू दिख रहा है जिसमें बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड होता है, इस स्टैंडर्ड के जगह पे एंटायर सिलेक्ट करेंगे तो फिर एंटायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साइज में मान लीजिए यहाँ से हमने इसकी रेवेन्यू को लिया और साइज में इसमें लेबल में डाला, तो कितना कितना रेवेन्यू कनेक्टेड है आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पे सम ऑफ रेवेन्यू दिख रहा है आपको, तो सम ऑफ रेवेन्यू इसमें टेक्स्ट में, तो सेफ रेवेन्यू के जगह पे यहाँ पे आप क्विक कैलकुलेशन में जा सकते हैं, जहाँ पे रनिंग टोटल डिफरेंस डिफरेंट परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल करेंगे तो आपका इस तरह का फिगर आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो अपने हिसाब से जो कलर लेना चाहते हो, बैक कैमरा है क्या कलर होना चाहिए, इसका क्या कलर चाहिए, अलग अलग सबका अलग अलग कलर है, आप चूज कर सकते हो। ऊपर हेडिंग्स, हेडिंग्स में हमने कर दिया सेल्स, सॉरी सेल्स शेयर, और यहाँ भी
सेल्स शेयर। अब तीसरे यहां पे हम आते हैं और यहां पे हम अपना रेवेन्यू को सेलेक्ट करते हैं। और ये हमारा रेवेन्यू का ये रहा कि स्लैब हो गया 1000 से 15 स्लैब कितना हुआ। और इस पे हम यूनिट का इसकी यूनिट जो हमारा यूनिट है उस लेबल में रख देता हूँ ताकि इसके ऊपर आ जाए कि 1000 वाले ऑर्डर जो है 123 हुए हैं, ये इतना हुआ है, ये लेवल्स में आ जाएगा। यहाँ पे रेवेन्यू स्लैब उसके बाद अगले सीट पे क्लिक करें और मुझे इस पे टॉप प्रोडक्ट का चाहिए, तो हमने प्रोडक्ट लिया और हमने यहाँ पे रेवेन्यू लिया कंट्रोल से और हमने ये बार चार्ट ले लिया। यहाँ देखिए शॉर्ट का ऑप्शन है, ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग में इसको आराम से शॉर्ट कर सकते और इसको यहां से स्वैप भी कर सकते हैं अगर स्वैप करना चाहे तो। हालांकि स्वैप करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा ही चाहिए। ले लिए यहाँ पे टॉप प्रोडक्ट और वापस इस पे आते हैं। अब इस बार हम कस्टमर को लेते हैं, जो हमारा कस्टमर है इसमें नेम हमने लिखा हुआ है कस्टमर नेम, और यहाँ पे हमने रेवेन्यू ले लिया। और फिर हम यहाँ शोमी पे क्लिक करते हैं, तो शो मी में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे वापस यही चार्ट चाहिए और इस पे भी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। और इस पे हम यहाँ पे टॉप कस्टमर एंड टॉप कस्टमर, तो मैंने सारे जो विजुलाइजेशन चाहिए थी हमने सारे विजुलाइजेशन तैयार कर दिए। अब बात आ रही है डैशबोर्ड की, तो यहां आपको दिख रहा है न्यू डैशबोर्ड। मैंने सीट पे आपका शीट आता है, शीट के बगल में आता है न्यू डैशबोर्ड। न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का डेटा व्यू आपको खुल के आता है। अब आपको जो शीट्स आपने बनाया ना, बस उसी को अरेंज करना है, उसको उठा उठा के पिक करते चले जाएंगे। ओके, ये फालतू में बन जाएगा, इसको डिलीट करते रहिएगा। डिलीट कनेक्शन, उसके बाद यहाँ सेल्स शेयर भी इसी के बगल में आएगा। उसके बाद जो है ये नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड तैयार। तो यहाँ टैबलू में डैशबोर्ड ऐसे बनता है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट हो रहा है। अब इसको रिमूव करना है तो फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट एज ए, यहाँ से आपको सिस्टम है सेव है जाता है जो सेव करता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट वर्जन हो गया, एक्सपोर्ट पैक वर्जन हो गया, ये एक्सपोर्ट एज ए पावर पॉइंट, इसको आप पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपका पावर पॉइंट में सेव हो जाएगा और जाके देखेंगे डाउनलोड इसे ठीक डॉक्यूमेंट में होगा या बुक वन, खोल के देखिए। ठीक है सर, हम इसको आराम से प्रेजेंट कर सकते। तो थोड़ा सा हमें पावर बी आई की अपेक्षा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा। पावर बी आई में फ्रीडम है कि किस तरह से हम अरेंज करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, और हमें इतने अलग अलग शीट्स बना के फाइल को हैवी, हमारे 100 चार्ट बनाने हैं
तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें आप लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ जो आता है हिस्ट्री आता है, मतलब कि कई सारे शीट्स का, कई सारे वर्कशीट का एक डैशबोर्ड बनता है, कई सारे डैशबोर्ड का एक न्यूज स्टोरी बनता है, ठीक है। बाकी जब इसकी कोर्स अगर करेंगे तो इसके अंदर की पूरी डिटेल्स आपको मिलेगी और इसका यूज आप कर पाएंगे। तो आप लोग ट्रायल वर्जन का डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर प्ले का, टैबलू का, सॉरी। तो नीलेश जी, विनोद जी, विश्वजीत जी, समझ में आया कि टैबलू और पावर प्ले में क्या डिफरेंस है? लेकिन अगर आप टैबलू सीख ले, पावर बीआई सीख ले, आपको एक्सेल की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर एक्सेल कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे भी टैबलू और पावर बीआई में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो कि आपके एक्सेल से लिया गया है। तो हमारा 10 डेज का जो टॉपिक था, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो बेसिकली हमारा Day 1 में रिपोर्ट फॉर्मेट था, हमने फॉर्मेटिंग के बारे में सीखा, हमने डेटा हैंडलिंग से फिल्टर, सॉर्टिंग और प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में सीखा, हमने पिवट टेबल के बारे में सीखा। पिवट टेबल पे हमने एक रिपोर्ट्स भी बनाई, डैशबोर्ड भी बनाया था। उसके बाद हमने लॉजिकल फॉर्मूला सारे मोस्टली सीखे, टेक्स्ट के फॉर्मूले सीखे, डेट के फॉर्मूले सीखे, लुकअप फॉर्मूले सीखे, उसके बाद डेटा समराइजेशन का फॉर्मूला सीखा हमने। उसके बाद हमने आपके साथ जो डिस्कस किया, उस डैशबोर्ड बनाया जिसमें हमने डायनेमिक चार्ट और चार्ट्स वगैरह और डैश एक्सेल फॉर्मूलेज के ऊपर डैशबोर्ड बनाया। फिर हमने 9वें दिन आपके साथ जो है पावर बीआई के बारे में बात किया, और फिर उसके बाद हमने आज जो है टैबलू के बारे में बात किया। अब जो अगला बोनस आता है वो आता है आपका वीवीए प्रोग्रामिंग का। वीवीए प्रोग्रामिंग क्या है? देखिए, वीवीए प्रोग्रामिंग को मैं नहीं बोल सकता कि एक दिन में आपको मैं सिखा दूंगा। वीवीए प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट और यूज के बारे में समझाने के लिए हमने इसमें लिखा हुआ है, ताकि आगे अगर आपको वीवीए सीखना हो तो आपका माइंड क्लियर हो कि वीवीए क्यों सीखा जाता है। तो चलिए आज हम इसी चीज पे डिस्कस कर लेते हैं, अभी मेरे पास 20 मिनट का टाइम है तो हम इसी पे डिस्कस करते हैं। देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्राम, सबसे पहले जानिए वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है। वीवीए का मतलब होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। मतलब कि ये आपका कोई VB6 नहीं है, ये आपका कोई VB.NET नहीं है, ये आपका कोई VB स्टूडियो नहीं है। मतलब कि आप VBA की मदद से, ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो प्रोग्रामिंग करके कोई एक नया सॉफ्टवेयर आप बना लेंगे, ऐसी चीज नहीं है। कोई एक नया सॉफ्टवेयर आप नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? तो एक्सेल के अंदर ही नए टूल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर नए टूल्स को, नए टूल्स को डेवलप कर सकते हैं। किस तरह के टूल्स? देखिए, इसके अंदर में आप 3 चीजें बनाएंगे। पहला बनाएंगे मैक्रोस, दूसरा बनाएंगे आप फंक्शन, तीसरा बनाएंगे आप यूजर फॉर्म। तो मैक्रोस क्या होता है? देखिए, मैक्रोज एक ऑटो पायलट की तरह वर्क करता है। जैसे कोई काम आपके पास है, उस काम को आप घंटों में ना करके सेकेंडों में कर सकते हैं मैक्रो की मदद से। कैसे? देखिए, आप जो कोड लिखते हैं, जो आप स्टेप को फॉलो करते हैं, उसी स्टेप को अगर आप कोड के अंदर लिख दें तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? आपका काम को सेकेंड में कर देगा। अभी एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मेरे पास कई सारे शीट्स के अंदर डेटा है, या हो सकता है कई सारे फाइल्स के अंदर डेटा है। अब मुझे इस डेटा को डेटा शीट पे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे
कॉपी पेस्ट करना है। तो वीवी ये इस काम को कुछ ही सेकंड में कर देगा। तो वी हमने सारी कोडिंग करके हमने एक माइक्रो बना दिया है, और मैंने जैसे इसको रन किया, रन करते देखिए कुछ ही सेकेंड्स में सारा डेटा डाल दिया, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। जी हाँ, 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, इसके लिए हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया। देखिए इस लाइन ऑफ कोड को हमने लिखा, और लिखने के बाद ए वन बाई वन चला रहा हमारा काम। तो यही जो होता है हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग होता है। टैबलू के बाद आपको वीवीए सही रहेगा, क्योंकि आप जब जॉब ढूंढते हैं तो आपके पास एक्सेल प्रायोरिटी होता है, फिर बहुत सारे कंपनीज पावर बीआई भी मांगती है, बहुत सारे कंपनी टैबलू मांगती है, और कुछ ही कंपनी जो दोनों मांगती है, क्योंकि पावर बीआई और टैबलू सेम है, इसलिए कंपनी में दोनों डिमांड होना रेयर होता है, दोनों डिमांड करते हैं, ठीक है ना, दोनों डिमांड करेंगे, रेयर करेंगे। एक ही ट्रेन में आपको, या आपको अकेले यात्रा करना है तो आप कोई स्लीपर का या फिर एसी का टिकट करवाओगे? ऐसा थोड़ी कि आपने थर्ड एसी का भी ले लिया है, सेकंड एसी का भी ले लिया है, और आपने स्लीपर का भी ले लिया है, ये तो रेयर देखने को मिलता है ना। तो सेम चीज होता है, लेकिन वीवीए का काम होता है ऑटोमेशन का। देखिए आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है तो वहां पे वीवीए का इस्तेमाल होगा ऑटोमेशन का। सिंपल सी बात है ना, कि आपको फील्ड का काम करना है, जहां तहां इधर उधर भटकना है, तभी ना आप बाइक या गाड़ी खरीदेंगे। आप जो है डेली ऑफिस जाना और आने के लिए, जब ऑफिस आपको कैब दे रही है, तो गाड़ी ले जाना या गाड़ी खरीदना ये सही डिसीजन नहीं होगा ना। जब कंपनी आपको कैब प्रोवाइड कर रही है फ्री में, कोई चार्ज नहीं ले रही है, उसके अलावा आपको सिर्फ ऑफिस जाना आना है, ऑफिस का डिस्टेंस मात्र 5 या 10 किलोमीटर है, तो इसके लिए आप 10-15 लाख की या बाइक की, 1-2 लाख की बाइक या 10-15 लाख की फोर व्हीलर खरीदना ये सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑफिस के अलावा भी आपको बहुत सारे जगह पे जाना पड़ता है तो आप फोर व्हीलर खरीदेंगे। सेम उसी तरह से जब हमें एक्सेल पे ही काम करना है, और मेरा काम बहुत सारा है, तो मैनुअल करने में मेरे पास दो प्रॉब्लम होगी। पहली, मेरा टाइम लॉस्ट होगा, दूसरा एक्यूरेसी नहीं आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए, अभी जैसे एग्जांपल बताया कि 100 शीट्स या 200 शीट्स के डेटा को एक शीट में कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो इसमें कोई गलती होने के चांसेस है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा फाइल दो बार कॉपी हो जाए या छूट जाए, लेकिन ऑटोमेशन के केस में नहीं होगा। तो मैक्रोस का वर्क यही होता है। फिर आता है फंक्शन। फंक्शन में हम फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे वी लुकअप, एस लुकअप जैसे फॉर्मूले, खुद के फॉर्मूले बनाते हैं। अब इसे बच्चे सवाल करते हैं कि क्यों, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले, इसी को नहीं सीखा तो वी आपका, आप बोल रहे हैं कि एक अलग फॉर्मूला बना। देखिए ये जो इनबिल्ट फॉर्मूले हैं, प्रोग्रामर ने एक इनवर्सल रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते हुए इसकी डिजाइन किया, लेकिन आपका डिजाइन अलग हो। जैसे वी लुकअप की बात कर लीजिए, मल्टी शीट से लुकअप नहीं करता है, मल्टीपल डेटा को लुकअप नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। तो आप अपने हिसाब से जो है एक वीवीए का फॉर्मूला बना सकते हैं। दूसरा आता है यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इंटरफेस के लिए होता है, कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि कुछ ऐसा करना चाहते हो जो कि ऑटोमेटिकली हो जाए, या एक पॉपअप आए। जैसे हमने यहां पे क्लिक किया, फाइल एक ओपन कर रहा, एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। जी हाँ, दिख गया। अब जो है मेरा सिर्फ यूजर फाइल नहीं दिख रहा है, सिर्फ यूजर फॉर्म दिख रहा है, और इसमें जो भी हम डेटा टाइप करके यहाँ सेव करेंगे वो मेरे डेटाबेस में चला जाएगा। मुझे डेटा चाहिए तो शो पे क्लिक करूंगा तो मेरा डेटाबेस शो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये रहा। अब इस पे क्लिक करते ही मेरा डेटा यहाँ एंट्री हो जाएगा।
इस तरह के यूजर फॉर्म हम बनाते हैं सिर्फ डेटा एंट्री के लिए नहीं, और भी बहुत सारे काम के लिए। और यहाँ पे हम सेव करते हैं, डेटा देखिए सेव। तो फाइल बिना खोले भी इसको हम यूज कर सकते हैं, या फाइल पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ये हमारा यूजर फॉर्म होता है। तो वीवी प्रोग्रामिंग इस तरह से फंक्शन करती है। अगर आप वीवी प्रोग्रामिंग की कोर्स लेना चाहें तो दो तरह के कोर्स है, एक हमारा जो एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज, अभी जो आपने 10 दिनों में चीजें सीखा है इसी को एक्सपर्ट लेवल पे हम जो है तकरीबन 45 to 55 डेज में सिखाते हैं, जिसकी फीस हम चार्ज करते हैं 7500। उसी तरह से वीवीए की बात करें तो वीवीए का क्रैश कोर्स हमारा 2 घंटे का होता है, 2 दिन का होता है, 6 6 आवर का, मतलब कि सैटरडे 3 घंटे और संडे 3 घंटे होता है। इसकी फीस मात्र 1000 चार्ज करते हैं। लेकिन इसी के एक्सपर्ट लेवल में जाते हैं वीवीए पावर प्रोग्रामिंग पे, तो वो तकरीबन 55 से 65 दिन का होता है, ठीक है, और इसके लिए हम 10000 का चार्ज करते हैं। तो ये देखिए, अगर ये सीखते हैं तो आप किसी भी तरह के माइक्रोज को समझने में एलिजिबल हो जाएंगे। आप किसी के माइक्रो में अगर छोटी मोटी चेंजिंग करनी है अपने हिसाब से तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। किसी के माइक्रो अगर इंटरनेट से कोई कोड उठाया है, कोड रन नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये सैटरडे संडे का होता है हमारा प्रोग्राम, ये चीज़ आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को मैं प्रैक्टिस के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। आप 1 हफ्ते जो आप पढ़े हैं, क्योंकि आप लोग वर्किंग हैं और साथ में नवरात्र भी आ गए हैं, तो वो सारे लोग पूजा पाठ में भी व्यस्त होंगे, तो आपको हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं कि 1 हफ्ते आप लोग जो अपना जो सीखे उसकी प्रैक्टिस करें। फिर आपको जो जो डाउट्स मुझसे पूछने हैं उस डाउट्स का एक लिस्ट बना के मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको हम अगली क्लास में वो सारे डाउट्स कवर कर देंगे। हाँ, जो डाउट्स करेंटली है कि तुरंत पूछे जाने वाले हैं, वो तो कभी भी आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, और बच्चे पूछते भी हैं मुझसे बहुत सारे, आपकी बैच के बहुत सारे स्टूडेंट मुझे दिन में कॉल करते हैं, तो आप कॉल कर सकते हो। लेकिन आप स्पेशली उस पे मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो उसका एक लिस्ट बना के मुझे भेज दीजिएगा। मैं लिस्ट को एक बार समराइज कर लूंगा और उस हिसाब से मैं 1 दिन की एक बोनस क्लास आपको दे दूंगा, और मेरे तरफ से आपके लिए बोनस रहेगा।